मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। इससे पहले मैंने आप लोगों को दो वीडियो प्रोवाइड करा दिए थे और आज हमारा ये एक तीसरा क्लास है, ठीक है। पहले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और मैंने आपको बताया था उसमें बेसिक जानकारी दी थी टेंस के बारे में। मैंने आपको ये बताया था कि टेंस क्या होता है, पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि टेंस क्या होता है। इसके साथ साथ में एक मिनट रुकिएगा आप लोग, टेंस के बारे में बताया था और इसमें मैंने आपको बताया था कि तीन प्रकार के आपके टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसके भाग होते हैं। तो हम लोगों ने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख लिया था, पास्ट इंडेफिनिट सीख लिया था, और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फ्यूचर इंडेफिनिट। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यहाँ पर सीखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेंस को सीख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी वाक्य आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं ये भी अंदर बनाए जाएंगे, ठीक है। बेहतर तरीके से आप लोग सीखेंगे इसको और हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपके सामने आ चुका है सबसे फर्स्ट, देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखते हैं इसको। तो अगर हम लोग इसकी पहचान के बारे में बात करें तो बताया था मैंने कि पहचान क्या होती है कि फ्यूचर अगर टेंस होता है तो लास्ट में क्या आ जाता है, गा आ जाता है आपका, ठीक है। देखेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका लास्ट में, अंत में आता है गा, गी, गे। ये आते हैं किस में, आपके फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे देखो समझो कि राम बाजार जाएगा, आपके सामने लिखा हुआ है राम बाजार जाएगा, अंत में क्या आ गया, गा आ गया, तो आपका हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट। यह लिखा हुआ कि रीता रीता सोएगी, ठीक है, लास्ट में क्या आ गया। यह लिखा हुआ है श्याम पढ़ेगा, तो आपका क्या आ जाएगा, लास्ट में क्या आता है गा, गी, गे आदि शब्द अगर आ जाए, सिर्फ गा गी गे, ठीक है, तो हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वो हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस में सीखेंगे। जितना आपको यहाँ पर सिखाएं आप उसको सीखते हुए चलिएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता, तो ये बात आप लोग पहले से ही जान चुके हैं कि एक वचन कर्ता क्या होता है, बहुवचन कर्ता क्या होता है। इसमें आप लोग ये सारी चीज़ें पहले से ही जानते हैं, ठीक है, इसको आप लोग पहले से ही जानते हैं। तो आप ये नहीं सीखेंगे, हम सीखेंगे ये सीखेंगे, ठीक है। या एक बार देखना चाहो देख सकते हो कि एक वचन कर्ता क्या होता है, ही जैसे हो गया आपका, सी हो गया आपका, इट हो गया, राम हो गया, या कोई नाम, राम मतलब कोई भी नाम, या लड़की का नाम लिख लें जैसे राधा लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नाम लिख सकते हैं आप लोग। एक वचन बहुवचन में आपका आ जाता है जैसे आई है, वी, यू, दे, ठीक है, ये सभी आ जाते हैं आपके बहुवचन में। बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा। और मैंने आपको बताया था कि आप लोग एक कॉपी पर इसको नोट्स भी बनाते रहिएगा अपना, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग, अब आ जाता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले देख लीजिएगा आप लोग। आई और बी, इसके साथ हम लोग लगाते हैं सेल, आई बी के साथ सेल लगाते हैं, और बाकी सभी के साथ क्या लगाते हैं, बाकी के साथ लगाते हैं विल, ये तो क्रिया हो गई, ठीक है आपकी। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस की हम लोग बात करें तो सिर्फ सीखना है, आगे देखें वाक्य लिखे हुए नहीं लिखे हैं, देखिए आपके वाक्य तो नहीं लिखे हुए यहाँ पर, वाक्य में सेम लिखना है अपने आप लिखना है, देखिए वाक्य लिखेंगे और आप लोग उसको समझेंगे भी, ठीक है। हम लोग वाक्य लिखते हुए पढ़ेंगे हर चीज, जैसे आप लोग देखिएगा, जैसे है कि आज हम क्रिकेट खेलेंगे, आज हम क्रिकेट खेलेंगे, आपके सामने लिखा हुआ, कैसे वाक्य बनाओगे, ये लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले देखेंगे हम क्रिकेट खेलेंगे, हम के लिए क्या होता है, आप जानते हैं कि हम के लिए क्या होता है, हम के लिए क्या होती है, तो वी होती है, लिखेंगे वी, वी के साथ क्या लगाओगे, सेल या विल, तो वी के साथ आपको पता ही क्या लगाएंगे, सेल, तो हो जाएगा वी सेल, क्रिया लग गई। खेलना के लिए क्या होता है, खेलने के लिए प्ले, तो वी सेल प्ले, और क्या खेलेंगे, क्रिकेट, तो लिख देंगे क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। कब की बात करें, कब खेलेंगे, कह रहा है आज, तो आज के लिए हो जाएगी टुडे, तो हो जाएगा आपका वाक्य वी सेल प्ले क्रिकेट टुडे, आज हम क्रिकेट खेलेंगे। अगला वाक्य देखेंगे हम लोग, जैसे है कि अब
मैं मथुरा जाऊंगा, अब मैं मथुरा जाऊंगा। अब हमें क्या करना है, हमें इस वाक्य को बनाना है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस वाक्य को बनाएंगे। तो अब मैं मथुरा जाऊंगा कैसे बनाओगे, देखो मैं मथुरा जाऊंगा इसको पहले बनाओ। मैं के लिए क्या हो जाएगी, आई, और आई के साथ क्या लगाओगे, शैल, तो हो जाएगा आई शैल गो। जाने के लिए क्या होता है, जा गो टू मथुरा, मैं मथुरा जाऊंगा। और बात करके कह रहा है अब, तो चाहे आप लिख लें नाव, नव के लिए क्या लगा लें, यहाँ पर नाव लगा लें, अब चाहे आप लास्ट में लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं, नाव आई सेल गो टू मथुरा, अब मैं मथुरा जाऊंगा। ठीक है, ये टुडे लिखा हुआ है, आप अगर चाहें उसको टुडे को पहले भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल लास्ट में, बीच में लिखिएगा, या तो बिल्कुल पहले लिख दीजिए या बिल्कुल लास्ट में, ऐसे लिख दीजिएगा। अब के लिए चाहे आप पहले लिख दें या लास्ट में, जैसे आई सेल गो टू मथुरा नाव, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग बात करें, समझिएगा, जैसे आपके सामने अगला वाक्य लिख दें, जैसे तुम एक निबंध, तुम एक निबंध लिखोगे, तुम एक निबंध लिखोगे, ये वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है कि तुम एक निबंध लिखोगे, तो तुम के लिए क्या हो जाएगा, तुम के लिए हो जाएगा यू, और यू के साथ क्या लगाओगे, बताया कि आई बी होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं बाकी के साथ, बिल, तो हो जाएगा यू बिल, लिखने की क्या होती है, राइट, तो राइट, यू विल राइट एक निबंध, तो क्या हो जाएगा, एन एस ए, तो हो जाएगा आपका कि यू विल राइट एन एस ए, तुम एक निबंध लिखोगे। तो इस प्रकार से इस वाक्य को बना सकते हैं, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर अब देखिए थोड़े से और बाकी को देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, जैसे इसका कलर था ब्लैक ही ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है कि आज बारिश होगी। ठीक है, बाकी क्या है कि आज बारिश होगी, आज बारिश होगी, कल बहुत, अभी इसको बनाएंगे, ठीक है, बाकी नोट कर लें थोड़े से, कल बहुत गर्मी रहेगी, और अगर लिख दें कि राम खाना खाएगा। चलिए पहले इन वाक्यों को बनाते हैं हम लोग। ठीक है, अब जो कैसे बनाएंगे, सिर्फ वही रूल लगाएंगे, जैसे आज बारिश होगी, क्या है, आज बारिश होगी। ठीक है, जब कई भी ऐसे वाक्यों की बारिश होगी तो इसको इट से बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, हम लिखेंगे या बहुत गर्मी होगी, बारिश होगी, तो इट से लिखेंगे, इट, इट के साथ क्या लगाओगे, बिल, तो इट बिल, क्लियर बात, लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म, तो क्या होती है, रेन, बारिश होना की रेन, आर ए आई एन एन, और टुडे माने आज, तो हो जाएगा इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी, कल बहुत गर्मी रहेगी। ठीक है, कल बहुत गर्मी रहेगी, अब इसको देखो, जो ऐसे वाक्य होगा जो कल बहुत गर्मी रहेगी, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे इट से बनाएंगे, तो इट बिल बी, बिल में होगी, ठीक, होना होने के लिए आएगा बी, तो इट बिल बी क्या होगा, बहुत गर्मी, तो वेरी हॉट, और कब, कल, आने वाला कल, मतलब आएगा वाला, आने वाले कल के लिए क्या होता है, टुमारो होता है, और बीता वाला क्या होता है, आपका पास्ट होता है। ठीक है, तो लिखेंगे टुमारो, एक मिनट जाओ, ठीक है, थोड़ा छूट जाता हमारा यहाँ पर, तो हो जाएगा इट विल बी वेरी हॉट टुमारो, कल बहुत गर्मी रहेगी। जैसे लिखा हुआ है अगला कि राम खाना खाएगा, ये लिखा हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे, कि राम खाना खाएगा, बिल, फर्स्ट हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ईट द फूड, हो जाएगा राम विल ईट द फूड। अगर आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई है तो फटाफट से आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं थोड़े से वाक्यों को, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए, थोड़े से देखिए अभी तो सिंपल वाले वाक्य हो गए, अब थोड़े से हम वाक्य को चेंज करते हैं, जैसे अगर आ गया, लिखा हुआ है कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, ये वाक्य लिखा हुआ कि तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, या लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारी सहायता, मैं तुम्हारी सहायता
अवश्य करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, ये लिखा हुआ है। या लिखा हुआ है कि आज आज हम क्रिकेट अवश्य खेलेंगे, क्रिकेट अवश्य खेलेंगे, जैसे आपको ये वाक्य दिए गए हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको क्या करना है, इन वाक्यों को बनाना है, ठीक है। जब कभी भी, समझिए बात, जब कभी भी कोई काम धमकी दी जाए या अनिवार्य रूप से करना पड़े, इसके लिए कोई बाध्यता हो, तो सिर्फ थोड़ा सा चेंज ये करते हैं कि जिसके साथ, जैसे आई और बी के साथ हम लोग क्या लगाते थे, सेल, तो उसके साथ हम लोग यूज कर लेंगे विल का, ठीक है, और बाकी सबके साथ क्या लगा लेंगे, सेल का यूज कर लेंगे। बस इतना काम करेंगे, बाकी आपका बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर इतना चेंज हो जाएगा कि जब मजबूरी होती है, बाध्यता हो, या कुछ काम को प्रकट करना पड़े हमें, बाध्यता प्रकट दे, मजबूरी है उसको प्रकट करें हम, या धमकी कोई हमें दे, या कोई हमें अनिवार्यता दिखाए, ठीक है, अवश्य करूँगा, ये ऐसे अगर वाक्य आते हैं तो उनको ऐसे बनाते हैं, ये तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तो कैसे बनाओगे, तुम्हें के लिए यू, और यू के साथ क्या लगाते थे हम लोग अभी तक, विल, लेकिन यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेल, तो यू सेल गो, यानी क्या होती है, गो, और कहाँ, वहाँ, वहाँ के लिए देयर, तो यू सेल गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। अगला है कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, तो लिखेंगे आई, ठीक है, अवश्य लग गया तो क्या लिखेंगे, आई के साथ सेल लगता है, लेकिन क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अवश्य की बात आ गई है, आई विल हेल्प, सहायता करना यू, मैं तुम्हारी, तो आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। आज हम क्रिकेट अवश्य खेलेंगे, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, लिखेंगे कि वी, बी के साथ क्या लगाते हैं, सेल, लेकिन यहाँ क्या लगाएंगे, विल, तो हो जाएगा वी विल, ठीक है, प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट अवश्य खेलेंगे, और कब, टुडे, टुडे माने आज, कि आज हम क्रिकेट अवश्य खेलेंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों की समझ में आ रही होगी यहाँ तक। हम लोग देखते हैं आगे, और आगे आपके सामने आ चुका है अब निगेटिव सेंटेंस, क्या आ चुका है, निगेटिव सेंटेंस यहाँ पर आ चुका है, कि हम लोग देखिए निगेटिव की अगर हम लोग बात करें तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, यही बात है। अब जिसे निगेटिव में नहीं लगा होता है, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी आपके, जो सेल लगाते थे तो सेल नॉट लगाएंगे, और विल नॉट लगाएंगे, बस इतनी बात है, सिर्फ यही तो करना है हमें बस। अब देखो, जैसे हम एक दो वाक्य लिखते हैं आपके सामने, और आपको ये भी चीज़ बहुत ही जल्द समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे हम खाना नहीं खाएंगे, जैसे बाकी लिखा हुआ है कि हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। या लिखा हुआ है हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। ये बात के आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको देखिएगा आप लोग कैसे बनाएंगे इनको हम, देखिए सिंपल सी एक बात है, इसको समझते हुए चलिएगा, और हम लोग सारी चीज़ों को बिल्कुल ही बेहतर तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं। जैसे हम खाना नहीं खाएंगे, तो हम के लिए क्या लिखेंगे, वी, वी के साथ क्या लगाएंगे, सेल, तो जाएगा वी सेल के साथ नॉट, नहीं के लिए नॉट, वी सेल नॉट, खाना खाने क्या होती है, इट, तो इट द फूड, हम खाना नहीं खाएंगे। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, कभी भी नहीं, तो आ जाए तो क्या लगाते हैं, नेवर, तो हो जाएगा आई, और फिर क्या लगाएंगे, नेवर, आई, एक मिनट जाओ, पहले हम लोग उसके लिए हेल्प को लगाएंगे ना, है साइक दिया, आई सेल, आई के साथ सेल, आई सेल नेवर, और झूठ बोलना क्या होती है, टेल ए लाई, तो हो जाएगा आई सेल नेवर टेल ए लाई, बस इस प्रकार से आपका बन जाएगा, आई सेल नेवर टेल ए लाई, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तो हम के लिए हो जाएगा वी, और वी के साथ क्या लगाओगे, विल या सेल, तो लगाओगे सेल, तो वी सेल नॉट, खेलना की क्या होती है, प्ले, वी सेल नॉट प्ले, हम नहीं खेलेंगे, और किसके साथ नहीं खेलेंगे, आपके साथ, मतलब तुम्हारे साथ, तो क्या लगा लेंगे, विद माने साथ, और यू माने तुम्हारे साथ, तो आई सेल नॉट प्ले विद यू,
हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। तो इस प्रकार से आपके ये निगेटिव वाक्य बन जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा समझ लो आप लोग, थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे अगर बाकी की वो बात करें थोड़ा सा, तो देखो कि राम स्कूल नहीं जाएगा। कैसे बनाएंगे राम स्कूल नहीं जाएगा? तो लिखेंगे राम विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि सुमन गीत नहीं गाएगी, सुमन गीत नहीं गाएगी। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, सीधी सी बात समझो। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सुमन के लिए लिखेंगे ना, हम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सुमन, सुमन सुमन के साथ क्या लगाओगे, विल या सेल। तो आई वी के साथ सेल, वांगे के साथ विल। तो सुमन विल नॉट गीत गाने क्या होती, सिंग ए सॉन्ग, सॉन्ग माने गीत, गाने की क्या होती, सिंग। तो हो जाएगा कि सुमन विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से हम लोग नेगेटिव वाक्यों को बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके सामने आ चुका है इंटरोगेटिव सेंटेंस। थोड़े से वाक्यों को यहाँ पर भी देख लेते हैं कि इंटरोगेटिव वाक्य कैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इंटरोगेटिव वाक्य हम लोग कैसे बनाएंगे इसको भी हम लोग सीख लेंगे। और देखिएगा इस प्रकार से आपको मिल जाएंगे तीन वीडियो यहाँ तक, और क्योंकि आपकी तीन क्लास हो चुकी हैं, इसके बाद में मिलेगा आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, फिर मिलेगा आपको पास्ट कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फिर हम लोग कॉन्टीन्यूअस वालों को सीखेंगे, इसके बाद में परफेक्ट सीखेंगे। इस प्रकार से हम सारे चीज़ों को सीख लेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे लिखा हुआ है वाक्य आपका है इंटरोगेटिव में, देखिए क्या, अगर पहले देखो समझो पहले कि क्या सीता स्कूल जाएगी, क्वेश्चन मार्क लगा देना। इंटरोगेटिव वाक्य है, जब क्या पहले आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, सहायक क्रिया स्टार्ट करते हैं, सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे लिखेंगे सीता स्कूल जाएगी, अगर ऐसे होता तो क्या लिखते हैं, अगर वाक्य होता कि सीता स्कूल जाएगी तो कैसे वाक्य बनाते, लिखते हम लोग सीता विल गो टू स्कूल, कैसे लिखते कि सीता स्कूल जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि क्या सीता स्कूल जाएगी, तो सिर्फ ये जो बिल लिखा हुआ है ना आपका यहाँ पर, ये यहाँ पर जो आपका बिल लिखा हुआ है ये सिर्फ आगे आ जाएगा। ठीक है, क्या की जगह पर, तो लिखेंगे कि बिल, ठीक है, फिर सीता, फिर आगे बचा क्या, गो टू स्कूल, क्या सीता स्कूल जाएगी, इसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, बस इस प्रकार से आपका ये वाक्य बन जाएगा। ठीक है, तो जो क्या आता है स्टार्टिंग में ये तब की बात है। जैसे हम दो चार वाक्य और लिखते हैं, जैसे क्या, क्या पुलिस चोर को पीटेगी, क्या पुलिस चोर को पीटेगी, ये वाक्य लिखा आपके सामने। अब क्या करना है, देखिए इस वाक्य को हमें बनाना है, क्या पुलिस चोर को पीटेगी, तो लिखेंगे, देखिए पुलिस के साथ क्या आएगा, बिल लगाएंगे, तो लिखेंगे बिल, पहले बिल लिख लेंगे क्या के लिए, विल द पुलिस, विल द पुलिस, और पीटने की क्या होती है, बीट, तो बीट फर्स्ट हम लग गई, और द थीफ, तो वाक्य आपका बन जाएगा कि क्या पुलिस चोर को पीटेगी, तो विल द पुलिस थीफ द, विल द पुलिस बीट द थीफ। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। ठीक है, तो क्या वाले वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं, या लिखा हुआ क्या, एक बार क्यों लिखता हूँ, जैसे क्या, क्या तुम खाना नहीं खाओगे, क्या तुम खाना नहीं खाओगे, ये वाक्य लिखा हुआ है इंटरोगेटिव वाक्य है। ठीक है, क्या तुम खाना नहीं खाओगे, तो इसको कैसे बनानेंगे हम लोग यहाँ पर, इसको लिखेंगे, देखो बिल किससे स्टार्ट करेंगे, बिल से स्टार्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, बिल यू नॉट, क्या नॉट कहाँ पे लगा देंगे, कर्ता के बाद में, तो क्या हो जाएगा, देखो क्या है, तो उससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, तुम की अंग्रेजी लिख दी हमने, नहीं की लिख दी, अब खाना खाने क्या होती है, ईट, तो जाएगा ईट द फूड। तो इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा कि क्या तुम खाना नहीं खाओगे। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के यहाँ तक। हम लोग देखते हैं आगे थोड़ा सा और, ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और देख लो आप लोग यहाँ पर, थोड़े से देखने की बात अगर आपसे पूछा जाए, चलिए ये वाक्य लिखा हुआ है, जैसे राम पढ़ता है, आप कहेंगे ये फ्यूचर का वाक्य नहीं है, तो हाँ फ्यूचर का नहीं है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य, आप इसको कैसे बनाएंगे, आपने सीख लिया है इसको, तो थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो राम पढ़ता है क्या लिखेंगे, राम
रीड माने होता है पढ़ना, लेकिन जब कभी भी सब्जेक्ट आपका होता है एक बच्चन तो क्या लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म में जैसा यस लगा देते हैं, पढ़ा होगा आपने तो यस लगा देंगे, ना पढ़ता हो जाएगा। जैसे लिखा है, जैसे आपके अगर सामने वाक्य लिखा है कि सीता ने पाठ याद किया, क्या पाठ लिखा, वाक्य लिखा हुआ है कि सीता ने पाठ याद किया। ये देखिए किया आ गया आ ई ए, ध्यान होगा आपको किसमें पढ़ा था हम लोगों ने, पास्ट इंडिफिनिट में पढ़ा था। तो ये वाक्य बन जाएगा कि सीता, याद करना कि लर्न होती है सेकेंड फॉर्म लर्नड, एल ई ए आर एन टी, सीता लर्नड, सीता ने याद किया पाठ लेसन, सीता ने एक पाठ याद किया, सीता लर्नड ए लेसन। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा। अगर आप लोगों से बात की जाए, अगर पूछा जाए कि लिखा हुआ है कि तुम मुझे पढ़ाओगे, तुम मुझे पढ़ाओगे, तो देखो इसको कैसे बनाओगे, ये वाक्य लिखा हुआ है इसको कैसे बनाएंगे, देखो लिखेंगे तुम के लिए यू गा आ गया है, तो यू के साथ क्या लगाओगे, बिल, तो यू विल पढ़ाना की क्या होती है, टीच, तो जाएगा आपका कि यू विल टीच, और मुझे के लिए मी हो जाएगा, यू विल टीच मी, तुम मुझे पढ़ाओगे, सिंपल वाक्य ना, यू विल टीच मी, तुम मुझे पढ़ाओगे, क्लियर हुई बात। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखो तीन टेंस सीखे हैं, मैं उनको अच्छी तरीके से थोड़ा सा रिवीजन भी करना है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अब जैसे अब अगर आपके सामने वाक्य लिखें कि वह कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहेगा, ये आपके सामने वाक्य लिखा है, इंटरोगेटिव का वाक्य आप भी जानते हैं किस टेंस का, ये इंटरोगेटिव टेंस है। अब देखो आप लोग इसको कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पर बीच में आ गया है कौन सी पुस्तक आ गया है, तो पहले इसकी अंग्रेजी लिखी जाएगी, तो क्या लिखेंगे, कौन सी पुस्तक मतलब भिच बुक, कौन सी पुस्तक माने भिच बुक, कौन सी पुस्तक। अब देखो वह है तो वह के साथ क्या लगाओगे, विल या सेल, तो विल लगाओगे, तो जाएगा विल, भिच बुक विल, ठीक है। अब इसके साथ कर्ता लिखेंगे, कर्ता क्या आपका वह, तो लिखेंगे ही। अब लिखा है पढ़ना चाहेगा, ठीक है, अब पढ़ना चाहेगा, चाहना क्या होती है, लाइक मैं चाहना होता, पसंद करना होता, तो हो जाएगा भिच बुक विल ही लाइक टू रीड, पढ़ना, ये हो जाएगा इस प्रकार से आपको बात कि भिच बुक, कौन सी पुस्तक, क्रिया लगा देंगे विल, फिर वह के लिए ही लाइक टू रीड, पढ़ना चाहेगा, ठीक है। जैसे अगर हम एक अगला वाक्य लिखें, ठीक है, वाक्य समझिएगा कि अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा, ये वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है कि अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा, ठीक है, हमें क्या करना है, इसका वाक्य बनाना है, तो अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा ये बताना है। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर वाक्य में आ जाएगा कौन, कौन आ गया तो कौन की क्या होती है, हु, तो हु लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, तुम्हारी सहायता कौन करेगा। अब थोड़ी सी बात पर ये समझना है, तुम्हारी आ गया यहाँ पर, तुम्हारी मतलब तुम्हारी सहायता, तुम, तो क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे, लेकिन यू से पहले इसमें क्रिया लगानी है, तो आप हमें सिर्फ ये बताओ कि यू के साथ आप लोग विल लगाओगे या सेल, आपको पता है यू के साथ विल लगाओगे तो जाएगा विल, तो वाक्य हो जाएगा हु विल, हु विल, ठीक है, इसके साथ। लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज़, तुम्हारे के लिखेंगे बाद में, पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर तुम, अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा, सहायता के लिखेंगे हु विल हेल्प, ठीक है, और क्या लिखेंगे, यू, यू लास्ट में लाएंगे, तुम्हारी सहायता कौन करेगा, ठीक है, अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा। अब आपकी देखो बाकी में कुछ बचा हुआ है क्या, अब बचा हुआ है, अब के लिए क्या लिख देंगे, नाउ, तो इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा कि हु विल हेल्प यू नाउ, कि अब तुम्हारी सहायता कौन करेगा, हु विल हेल्प यू नाउ, ओके। जैसे अगर हम एक वाक्य लिखें, जैसे बाकी ध्यान को थोड़ा सा, कि राम मुझे, ठीक है, राम मुझे क्यों पीटेगा, मान लीजिए वाक्य लिखा हुआ है राम मुझे क्यों पीटेगा, इसको बनाना, इसलिए बनाइएगा, तो क्यों के लिए पहले लिखते हैं अंग्रेजी, तो क्या लिखेंगे भाई, फिर क्या लिखेंगे, राम मुझे क्यों पीटेगा, तो भाई विल, अब क्या लिखेंगे राम, भाई विल राम बीट मी, पीटना क्या होती है, बीट मी माने मुझे, तो आपका वाक्य हो जाएगा
भाई माने क्यों, बिल माने गागी के, राम माने राम हो जाएगा, क्योंकि राम के साथ आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, राम के साथ आप लोग क्रिया लगाएंगे विल सेल, तो बिल तो जाएगा भाई विल राम बीट मी, राम मुझे क्यों पीटेगा, ये बात आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे वाक्यों को। जैसे अगर हम वाक्य लिखें आपके सामने कि आज बारिश क्यों नहीं होगी, आज बारिश क्यों नहीं होगी, चलिए और देखिए सोचिएगा थोड़े से आप बाकी, क्योंकि बाकी दिमाग लगाएगा थोड़ा सा दिमाग में आएंगे बाकी, फिर इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे अगर वाक्य हम लिख दें आपके सामने, सोच लो थोड़ा सा कि वह, चलिए लिखो अब, वह अब क्या खाएगा, चलिए ये भी वाक्य हो जाएगा, वह अब क्या खाएगा। ठीक है, या तुम किस कक्षा में पढ़ोगे, चलिए इन वाक्यों को पहले हम लोग सीखते हैं। ठीक है, जैसे आज बारिश क्यों नहीं होगी, सबसे पहले क्यों आ गया है, तो देखिए बीच में क्या है, क्यों है, तो सबसे पहले क्यों आपका आ जाएगा, क्यों के लिए क्या लिखते हैं भाई, और उसके साथ क्या लगाओगे वाई विल, क्या लिखेंगे विल, क्लियर। अब बारिश होने के लिए क्या लगाएंगे, किसके लिए कर्ता बनाएंगे, इट, वाई विल इट, अब लिखा हुआ है नहीं तो कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे, तो हो जाएगा वाई विल इट नॉट। अब बारिश के लिए क्या होती है, रेन, लिख देंगे रेन, और आज की क्या होती है टुडे, तो ये हो जाएगी टुडे, तो बाकी बन जाएगा वाई विल इट नॉट रेन टुडे, क्या आज, आज बारिश क्यों नहीं होगी। अब जैसे लिखा हुआ है कि वह अब क्या खाएगा, अगर क्या स्टार्टिंग में होता तो हेल्पिंग वर्ब लिख देते, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं है, बीच में है, तो क्या की अंग्रेजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे व्हाट, व्हाट माने क्या। अब वह के लिए है कि तो हो लिखेंगे ही, लेकिन इससे पहले क्या लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे विल, व्हाट विल ही, खाने की होती ईट, व्हाट विल ही ईट, वह क्या खाएगा, और कब, अब की बात है, तो अब मतलब नाउ, नाउ माने होता है अब, तो ये वाक्य आपका बन जाएगा। अगला है कि तुम किस कक्षा में पढ़ते पढ़ोगे, तो देखो लिखा हुआ है कि किस कक्षा में, ये लिखा हुआ है, तो किस कक्षा में इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आपकी, पहले इन विच क्लास, इन विच क्लास, ठीक है, गए आ गया लास्ट में क्या लिखेंगे विल, और फिर तुम के लिए क्या लिखेंगे यू, और पढ़ना की क्या हो जाएगी रीड, तो आपका वाक्य क्या बन जाएगा, इन विच क्लास विल यू रीड, तुम किस कक्षा में पढ़ोगे। बात क्लियर हुई यहाँ तक, आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब थोड़ी सी बात को समझो, आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस करना है बाकियों की। हमने इसका जितना बेसिक स्ट्रक्चर था सारा समझा दिया है, और हमने आपसे कहा था कि टेंस खत्म होते ही हम लोग थोड़े स्टैंडर्ड क्वालिटी के बाकियों को सीखेंगे। ठीक है, पहले लेकिन टेंस खत्म करना हमें है, तो हम लोगों ने अब तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कम्प्लीट कर लिया है। अगला वीडियो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा, और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फिर पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, तीन वीडियो आपको कंटिन्यूस के मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट